बात निकलेगी तो अब दूर तक लग जाएगी। लोग बेवजह खुशी का सबब पूछेंगे। तो आपको क्या जरूरत थी उस आदम के लिए लूट सेल लगाने की? फिर वही मुर्गे की एक टांग। जब हर सवाल का सही जवाब दिया तो किस चीज का नंबर काटता? उसी बात के जो आपके दुश्मन ने आपकी औलाद के काटे। अच्छा भाई ठीक है, सीज फायर, मैं जाके देखता हूँ। इस वक्त वो अपने बाप को भी ना पहचाने, जाकर देख लीजिए आप। अरे हम भी उसके बाप के पाप हैं, जस्ट वेट एंड सी। ये क्यों इतने मस्त अंदाज में घूम रहे? पूछो, मामू है तुम्हारे। चैंपियन, दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक करनी है भाई। वरना मैं दरवाजा ब्रेक कर दूंगा अब। आए, आए बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है सीने में, लग रहा है हार्ट अटैक होने वाला है। दरवाजा खोलो। हाँ बिल्कुल एवन। चलो जी, तो पर ये नौटंकी क्यों लगाए रखी थी? अरे कौन सी नौटंकी, तुम अपना ड्रामा ये जारी रखो, बाहर किसी को नहीं पता कि दद्दू हैंडसम तुम्हारे कमरे में। दद्दू आपको ये ड्रामा लग रहा है? ये सब ड्रामा लग रहा है आपको? मेरे दिल पे चोट लगी है। हमें पता है कितनी चोट लगी है। तुम ये देखो, ये कौन है? ये तुम्हारी फ्यूचर दादी नरगिस। दू खुदा का खौफ करे, मेरा सारा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आपको ये ऐसे मजाक सूझ रहे हैं। अरे मजाक कौन कर रहा है, इंतहाई सीरियस हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? मेरा प्रपोजल आया है tamanna.com से। उस मनोज आजम की तमन्ना नानी आपको आपकी नानी याद दिला देंगी। पूरा का पूरा खानदान ही धोखेबाज है। वैसे मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से ये शादी का अहमकाना मशवरा किसने दिया आपको? किसने दिया? नेहा चैंपियन ने दिया। जरा याद करो, जब तुम्हारी नानी की बरसी पे उदास बैठा हुआ था मैं, तो तुमने क्या कहा था? अरे यार दद्दू, अभी तो मुझे सिर्फ वो चार नंबर याद है जो उस आदम के बच्चे ने अब्बा से वरगला के लिए। अरे कर लेंगे ना तुम्हारे चार नंबरों का कुछ फिलहाल, ये गौर से देखो तुम।